हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में क्लास फिफ्थ की ईवी पढ़ेंगे चैप्टर ट्वेल्व व्हाट इफ़ इट फिनिशेस अब अबर्स जर्नी टुडे वी आर गोइंग ऑन द स्कूल ट्रिप टू दर्डलज स्टेप विल अबाउट एटीन किलोमीटर्स फ्रॉम अहमदाबाद हु वी काउंटिंग द व्हीकल्स ऑन द रोड सम ऑफ अस काउंटेड द बाइसिकल अदर काउंटेड द बसेस कार्स एंड मोटरसाइकल्स अब्राहम हु वॉज काउंटिंग बाइसिकल सून गॉड बोर्ड देयर वर हार्डली एनी बाइसिकल ऑन दिस हाईवे तो यहाँ पर कुछ बच्चों की ट्रिप जा रही है जहाँ पर वो बता रहे हैं आज हम अहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर्स दूर एक अडलज की बावड़ी को देखने जा रहे थे हमारे स्कूल ट्रिप में टीचर्स ने हमें अलाउ किया है कि हम कहीं घूमने जाएँ इसलिए हमें वहाँ पर ले जाया जा रहा है तो हम सभी आती जाती गाड़ियों को गिन रहे थे जब वो बस में थे ना बच्चे तो वो क्या कर रहे थे आती हुई आती जाती, जाती जो गाड़ियाँ थी वहाँ पर उनको गिन रहे थे उनको काउंट कर रहे थे आप ये देख रहे हैं ये बहुत सारी बसेस भी चल रही हैं ऑटो रिक्शा सब कुछ यहाँ पे चल रही हैं तो कोई साइकिलें गिन रहा था कोई बाइसिकल्स गिन रहा था तो कोई बसें गिन रहा था कोई कारों की गिनती कर रहा था है ना कोई मोटरसाइकल्स को देख रहा था कोई देख उनको भी काउंट कर रहा था तो अब्राहम साइकिलें गिनने के बारे में बोर मतलब साइकिल अब्राहम जो है साइकिल को गिनते गिनते क्या हो रहा था बोर हो रहा था क्योंकि इस हाईवे पर साइकिलें तो एक, इक्का दुक्का ही नजर आ रही थी मतलब कम ही नज़र आ रही थी है ना देन क्या होता है फिर क्रीज द ड्राइवर सडनली ब्रेक ब्रेक एट द रेड लाइट तो फिर ड्राइवर ने क्या किया अचानक से ही लाल बत्ती के सामने ब्रेक लगाई क्योंकि जब रेड लाइट जलती है ना तो क्या होता है वहाँ पे सिग्नल शो करता है कि आपको वहाँ पे वेट करना है रुकना है तो इट वॉज़ अ बिग क्रॉसिंग एंड वी कुड सी द ट्राफिक लाइन अप ऑन ऑन अप ऑन ऑल साइड्स तो यहाँ पर क्या हो रहा था क्योंकि एक बहुत बड़ा सा ये चौराहा था है ना बहुत लंबी सी लाइन लगी हुई थी एंड वी कुछ सी द ट्रैफिक लाइन अप ऑन ऑल साइड और साइड साइड में चारों तरफ क्या कर रहे थे बड़ा सा चौराहा था और मैं चारों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारों को देख रहा था तो अब यहाँ पे देखिए कई जैसे लाइनअप थी हॉन्ग कॉन्ग होंग होंग द साउंड ऑफ लाउड हॉर्न्स एंड द स्मोक कमिंग आउट ऑफ द व्हीकल्स अब उन्होंने कई चीज़ें देखी कि क्योंकि जब व्हीकल्स रोड पे चलते हैं तो उनकी बहुत सारी आवाज़ें निकलती हैं ना लाउड स्पी लाउड आवाज़ रहती है उनकी बहुत तेज़ आवाज़ रहती है और गाड़ियों से स्मोक भी निकलता है व्हीकल्स से स्मोक निकलता है मे बी डैट इट इज़ वाई लिटिल बॉय इन द रिक्शा वॉज कफिंग सो मच आई स्मेल समथिंग फैमिलियर फैमिलियर आई रिमेंबर द स्मेल इट केम फ्रॉम बाबास ट्रैक्टर इन द विलेज तो बच्चा वहाँ पे बताता है कि यहाँ पर चारों तरफ बहुत ज़्यादा शोर शराबा है और मैं चारों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारों को देख रहा हूँ जिनमें बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है शोर गुल स्टार्ट है क्योंकि जब गाड़ियाँ निकलती हैं रोड में तो वो हॉर्न बजाते हुए निकलती हैं और उनके साथ क्या निकलता है उनका स्मोक भी निकलता है तो शायद वहाँ पर शायद उसी धुएँ से परेशान होकर रिक्शे में बैठा एक बच्चा ज़ोर ज़ोर से खांस रहा था क्योंकि जब स्मोक निकलता है तो हर एक व्यक्ति क्या करने लगते हैं वहाँ पे खांस रहे थे क्योंकि उसकी जो स्मोक होती है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है मुझे भी अजीब सी बदबू आ रही थी जैसे कि गांव में बाबा के ट्रैक्टर से भी आती थी मतलब उसको याद आया कि जैसे मेरे गांव में ट्रैक्टर चला करता था मेरे बाबा की ट्रैक्टर है तो सेम उसी की तरह मुझे भी थोड़ा सा स्मेल वहाँ पर याद आई अब हम अगले पेज पर पे चलते हैं तो देखा यहाँ पर लुक एट द पिक्चर ऑन पेज वन हंड्रेड टेन एंड राइट यहाँ पर आपको क्या करना है वन हंड्रेड टेन पर जो पिक्चर दी गई है इनको आपको देख करके इनके क्वेश्चन आंसर लिखना है है ना तो इसको मैं बाद में आपको बता दूंगी फिर टेल आउट करना है अब फिर देखिए क्योंकि बच्चे क्या कर रहे थे वहाँ पे टूर पे जा रहे थे तो उन्होंने आती जाती गाड़ियों के बारे में ही देखा वहाँ पर अब देखिए अगला टॉपिक है ऑन द पेट्रोल पंप पेट्रोल पंप पर आफ्टर सम टाइम आफ्टर सम टाइम अब बस स्टॉप एट अ पेट्रोल पम्प देर देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू इट सीम्स एज इफ वुड हैव अ लॉन्ग वेट वी ऑल गॉट डाउन फ्रॉम द बसेज एंड स्टार्ट लुकिंग अराउंड द पेट्रोल पम्प वी सॉ मैनी लार्ज बोर्ड ऑफ एंड बोर्ड एंड पोस्टर्स देखिए जब वो क्या किया वहाँ पर बस स्टॉप जब पेट्रोल पंप पे पहुंची क्योंकि बसेज़ हो चाहे कोई भी व्हीकल हो पेट्रोल के बगैर वो नहीं चलती हैं तो पेट्रोल पंप पर जब वो पहुंची कुछ देर जाने के बाद ड्राइवर ने तेल भरवाने के लिए बस एक पेट्रोल पंप पर रोक दिया फिर गाड़ी की कतार जो थी गाड़ियों की जो लाइन थी ना बहुत ज़्यादा ही लंबी थी तो लगा कि उनको देख कर के बच्चे सोचे कि हमारा नंबर तो लग रहा है काफ़ी देर बाद आएगा तो सब बच्चे में सब बस से नीचे उतरकर पेट्रोल पंप पर ही घूमने लगे वहाँ पर कई बोर्ड जब वहाँ पे वो उतरे तो उन्होंने वहाँ पे कई तरह के बोर्ड भी देखे बड़े बड़े पोस्टर्स भी लगे हुए थे उन्होंने वहाँ पर देखा अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है देखिए ये पिक्चर बनी हुई है है ना पिक्चर में देखिए आप देख पा रहे हैं ये पेट्रोल की ड्रॉप है ये पेट्रोल पंप जहाँ से डीजल पेट्रोल निकलते हैं और जिसमें से हम इम्पोर करते हैं पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर सेव इट फॉर योर चिल्ड्रेन मेक एवरी ड्रॉप गो ऑन अ गो अ लॉन्ग वे स्विच ऑफ द इंजिन वैन स्टॉप द कार डेट थर्टीन सेवन टू थाउजेंड सेवेंटीन रेट है पेट्रोल उस टाइम पे पेट्रोल का जो रेट था सिक्सटी फोर पॉइंट नाइन वन था नाइन वन पर लीटर था और डीजल का जो रेट था वो फिफ्टी फोर पॉइंट सेवेंटी सेवन जीरो पर लीटर था तो देखिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है पेट्रोल भी कह रहा है तेल का भंडार सीमित है मतलब जो तेल तेल है ना पेट्रोल और डीजल है वो लास्ट मतलब हमेशा के लिए नहीं जा पाएगा इसलिए इन्हें जो है अपने बच्चों के लिए बचाइए ठीक है हर बूंद से अधिक लाभ लें मतलब मेक एवरी डॉप गो अ लॉन्ग वे मतलब हर बूंद से क्या करना है हमें अधिक लाभ लेना है ताकि ये लंबा चलता चला जाए गाड़ी रोके तो इंजन बंद रखें स्विच ऑफ द इंजन वैन यू स्टॉप द कार जब आप अपनी कार को मतलब रोकते हैं तो अपनी जो कार की जो इंजन है ना उसको आपको क्या रखना चाहिए बंद रखना चाहिए क्योंकि जब इंजन चालू रहेगा तो डेफिनेटली पेट्रोल जो है अननेसेसरी वेस्ट होगा तो यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि हमें पेट्रोल क्या करना चाहिए सेव रखना चाहिए ताकि आगे की जो पीढ़ियाँ हैं आगे की जो इन फ्यूचर जो बच्चे आने वाले हैं जो लोग होने वाले हैं उनको इन सब चीज़ों को मतलब कमी होने से उनको कोई दिक्कत ना हो तो यहाँ पर पेट्रोल का यहाँ पे कंज्यूमेशन बताया गया कि इसको आपको सेव रख करके चलना है फिर वहाँ पर उन्होंने एक पोस्टर भी देखा यहाँ पे पेमेंट ये लिखा हुआ था कि पेट्रोल का जो डीजल का रेट है पेट्रोल का रे, रेट क्या है डीजल का रेट क्या है ये चीज़ें वी कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई इट वॉज रिटर्न दैट पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर वी थॉट ऑफ थिंकिंग एज अ Uh, thought of asking, asking an uncle who works at the petrol pump. तो फिर वो बच्चे इस पोस्टर को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने सोचना शुरू किया उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये चीज़ें क्यों लिखी हुई हैं पोस्टर पर लिखे जो लिखे हुए थे नारे लिखे थे वर्ड्स लिखे हुए थे वो समझ नहीं पा रहे थे तेल का भंडार सीमित क्यों है हमने सोचा हमने सोचो पेट्रोल पेट्रोल चलो पेट्रोल डलवाने वाले भैया से पूछते हैं तो बच्चों ने सोचा कि चलो हम पेट्रोल डलवाने वाले भैया से पूछते हैं कि ये ऐसी चीज़ें क्यों लिखी है यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर जब वो बच्चे पेट्रोल पंप वाले अंकल से बात करते हैं तो अब्राहम अंकल फ्रेम अंकल फ्रॉम वेयर डू वी गेट पेट्रोल एंड डीजल्स Uncle Bolte, who work at the petrol pump from deep, deep down under the ground? Manju, but how does it get make, uh, made there? Uncle, it is formed naturally but very slowly. It is it is not made by a human being or a machine. Abraham says, then we don't uh, need to be by it. We can uh, take it out uh, ourselves using a bore well, like we pump out of out water. Uncle, it is not found everywhere but only at a few places in. अवर कंट्री वी नीड बिग बिग मशीन्स टू पम्प इट आउट एंड क्लीन इट तो देखिए अब्राहम कहता है अंकल यहाँ कहाँ से हमें पेट्रोल जो डीजल है ये कहाँ से मिलता है तो जो अंकल हैं पेट्रोल डालने वाले भैया हैं वो बोलते हैं ज़मीन के बहुत नीचे से ही मिलता है ये हमें है ना बहुत ज़मीन की जो निचली स्तर है अर्थ की जो लेयर होती है वो हमें ये जो है वहाँ से हमें मिलता है जैसे ये अर्थ है मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में चैप्टर इलेवन बताया था क्योंकि हम अर्थ में ऊपरी जगह पे लेकिन इस अर्थ के अंदर बहुत सारी चीज़ें खनिज खनिज हैं, हैं जिससे हमको यहाँ से मिलता है है ना तो पेट्रोल जो है बहुत नीचे से मिलता है अब एग्जैक्टली ये नहीं है कि हर मतलब अर्थ की जितनी भी लेयर्स हैं नीचे परत परत हैं उन सभी में क्या मिलेगा हमें पेट्रोल ही मिलेगा वो कहीं कहीं पे मिलता है तो वो सब चीज़ें चेकआउट होती हैं फिर मंजू कहती है ज़मीन के नीचे वहाँ कैसे बनता होगा फिर अंकल बताते हैं इट इज़ फॉर्म नेचुरली मतलब ये ज़मीन से ही ये मतलब कि प्रकृति की देन है ये अपने आप ही बनती है ये ज़मीन के नीचे बहुत धीरे धीरे अपने आप ही बनता रहता है कोई मशीन या आदमी नहीं बनाते इसे अब तो इसे क्या है कोई भी मशीन और मशीन या फिर इंसान नहीं बना सकते खुद से बनता है अब्राहम अब्राहम कहता है दैन वी डोंट नीड टू बाई इट फिर तो हमें इसको ख़रीदने की जरूरत नहीं है वी कैन टेक इट आउट अवर सेल्फ यूजिंग अ बोरवेल लाइक अ वी पम्प आउट अ वाटर तो इब्राहम का कहना यही होता है तब तो हम इसे बाजार से खरीद खरीदने क्यों निकालें बोरिंग या पंप लगा कर भी पानी की तरह इसको निकाल सकते हैं फिर अंकल कहते हैं यह हर जगह नहीं होता देश में कुछ ही जगह पर तेल निकलता है और निकलने से साफ करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल होता है निकलने के बाद फिर इसकी भी प्रोसेस होती है क्योंकि पहले पेट्रोलियम निकलता है पेट्रोलियम से फिर इसका पेट्रोल डीजल में कन्वर्ट किया जाता है है ना ये अब देखिए यहाँ पर फाइंड आउट एंड डिस्कर्स विच स्टेट ऑफ इंडिया फील्ड तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं फिर देखिए अगले पेज में लिखा है डे डिस्कस अ फर्दर फिर वो आगे की उनकी जो बातचीत हो रही थी वो यहाँ पर लिखा है दिव्या इस पेट्रोल गोइंग टू तो फिनिश क्या पेट्रोल जो है वो ख़त्म होने की ख़त्म होने वाला है द पोस्टर सेज़ डैट पेट्रोल इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर मतलब यहाँ पे जो पोस्टर दिया गया है वो ये उसमें तो यही लिखा हुआ है कि पेट्रोल जो है आगे तक ज़्यादातर हमें टाइम लंबे समय तक मिलेगा नहीं क्योंकि ये सीमित ही है लिमिटेड है अंकल बोलते हैं इट इज नॉट गेट मेड एज अ फास्ट एज वी टेक इट आउट इट टेक्स द लाख ऑफ ईयर्स लैक ऑफ ईयर्स ऑफ इट फॉर इट टू फॉर्म अंडर द अर्थ तो अंकल ने बताया हम जितनी तेजी से तेल निकाल रहे हैं उतनी तेजी से वह बन नहीं पा रहा है वैसे भी इसके बनने में लाखों लाखों साल भी लग जाते हैं तो उनका कहना यही था क्योंकि दिव्या ने पूछा कि पेट्रोल ख़त्म होने वाला है है ना पोस्टर पे भी ये लिखा था कि भंडार जो है सीमित है मतलब जो हमें तेल मिलेगा वो बहुत ही लिमिटेड मिलेगा तो इसलिए उनके अंकल ने जिन पेट्रोल पंप पे जो भैया थे उन्होंने बताया क्योंकि देखो पे, पेट्रोल का जो यूज़ हो रहा है हमारी डेली लाइफ में हर तरफ से हो रहा है हम मोटरसाइकिल चलाते हैं डेली हमें कहीं ना कहीं कही ट्रांसपोर्टेश ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती रहती है और ट्रांसपोर्ट को नीड्स पड़ती है कंटिन्यू आगे काम करने के लिए चलने के लिए पेट्रोल और डीजल की क्योंकि हम डेली के डेली इसको यूज़ कर रहे हैं तो जितनी तेज़ी से हम ज़मीन से इसको निकालते जा रहे हैं कन्वर्ट करते जा रहे हैं तो ज़मीन में तो डेली तो बनता नहीं है उसको बनने में पेट्रोल को बनने में काफ़ी साल लगते हैं लाखों हज़ारों साल लग जाते हैं एग्जैक्टली ये होता है क्योंकि वो नेचुरली है नेचुरल चीज़ें तुरंत नहीं बनती हैं उसको बनने में टाइम लगता है फिर देखिए अब्राहम बोलता है हाउ विल हाउ विल विक्स रन इफ द ऑयल फिनिश तो अब्राहम का कहना है अगर तेल ख़त्म हो गया तो गाड़ियाँ कैसे चलेंगी फिनिश्ड है ना तो मंजू कहती है ओ सी एन जी मैन आई हैड सीन ऑन टी वी डैड विकल्स विच रन ऑन सी एन जी गिव लेस स्मोक तो मंजू ने बताया सी एन जी से मैंने uh, मतलब सी एन जी से टी वी में मैंने देखा था इससे धुआं भी कम होता है सो so, यहाँ पर कंप्रेस्ड uh, मतलब सी एन जी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है ठीक है ये एक नेचुरल गैस होती है तो मंजू कहती है आई हैव सीन ऑन टी वी डैड विक्स विच रन ऑन सी एन जी गिव लेस स्मोक तो अंकल कहते हैं अंकल हंसते हुए कहते हैं डेट टू कम फ्रॉम बिलो द अर्थ इट इज़ ऑल्सो लिमिटेड तो अब अंकल हंसते हुए कहते हैं अरे वाह ये तो बहुत ठीक है पर ये भी तो ज़मीन से ही मिलती है और ये भी हमारे पास लिमिटेड ही है फिर दिव्या कहती हैं इलेक्ट्रिकसी कैन बी यूज टू रन बिकॉज आई हैव सीन आई हैव सीन एन इलेक्ट्रिक बाइकल तो दिव्या का कहना है बिजली से भी तो गाड़ियाँ चलती हैं मैंने तो बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ साइकिलें भी देखी हैं तो अब्राहम बोलता है वी विल हैव टू डू समथिंग और एल्स हाउ विल वी ट्रेवल दैन वी we grow up तो फिर अब्राहम का कहना है कुछ ना कुछ तो करना ही होगा नहीं तो फिर हम बड़े होकर के गाड़ियाँ कैसे चलाएंगे क्योंकि अभी से ये प्रॉब्लम आ रही है कि व्हीकल्स में uh, मतलब पेट्रोल डीजल इतना जल्दी कम होता चला जा रहा है तो दिव्या बोलती है माई दादी ग्रैंड मदर उनकी वुड बी हैप्पी इफ़ यू व्हीकल्स रन ऑन द रोड शी सेज लुक विकल लाइन अप लाइक आंट्स वट वट विल यू डू वैन वी ग्रो अप तो दिव्या का कहना है उनकी दादी माँ कह कहा करती थी अगर ये गाड़ियाँ कम चलेंगी तो मेरी दादी भी बहुत खुश हो जाएंगी वे कहती हैं कि तोबा चीटिए की तरह आज गाड़ियों की कतारें ही कतारें दिखती हैं आगे चल तुम्हारा क्या होगा मतलब उनकी दादी ने खुद ऐसी चीज़ें बताई थी कि अगर इस प्रॉब्लम अभी की कंडीशन में तो यह है कि हम जब रास्ते में देखते हैं तो चीटियों की तरह गाड़ियाँ जो है चल रही होती हैं मतलब एक लाइन से चल रही होती हैं कहीं भी जगह दिखाई नहीं देती है आगे चल के फिर आपका क्या होगा बेटा आप कैसे करोगे तुम्हारा क्या होगा फिर मंजू कहती है शी ओनली वन ऑन टू पीपल आर सिटिंग इन दिस कार वाई डिज एट एवरी वन यूज़ अ बस तो फिर यहाँ पर मंजू ने देखा मंजू ने वहाँ पे आजू बाजू देखा फिर उन्होंने ये चेक अपने डिस्कस किया दोस्तों से हाँ देखो ना यहाँ ज़्यादातर गाड़ियों में एक दो लोग ही बैठे हुए हैं यहाँ पे जो कार हैं उसमें तो एक दो लोग ही बैठे हैं सब के सब बस में क्यों नहीं चले जाते हैं इससे तो और भी चीज़ें कम होंगी इवन गाड़ी दो गाड़ी की जगह यहाँ पर एक ही गाड़ी यूज़ हो जाएगी तो अब्राहम कहता है डैड विल वी से पेट्रोल वन बस कैन कैरी मैनी पीपल्स अब्राहम का बोलते हैं हाँ बिल्कुल पेट्रोल तो बचेगा ही एक बस में तो कितने ही लोग जा सकते हैं एक बस में तो कई लोग जा सकते हैं फिर मंजू कहते हैं मंजू कहती है वैन आई ग्रो अप आई विल इवेंट एंड अ कार दैट रन ऑन द सन लाइट दैन वी वॉन्ट हैव टू वरी अबाउट इट गेटिंग फिनिश वी कैन यूज़ इट मच एज वी वॉन्ट तो फिर बड़ी मंजू कहती है जब मैं बड़ी हो जाऊँगी ना तो मैं कोशिश यही करूँगी कि सूरज की किरणों से चलने वाली जो गाड़ियाँ हैं वो चलना करें जिससे क्या होगा कि फिर ख़त्म फिर क्या है पेट्रोल की दिक्कत नहीं रहेगी फिर वो ख़त्म भी ख़त्म होने का कोई चक्कर भी नहीं रहेगा जितना मर्जी चलो इस्तेमाल करते रहो और पॉल्यूशन भी इससे कम होगा तो इस अभी, अभी इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर तक कंप्लीट कराती हूँ अगली वीडियो में मैं इसका पार्ट टू बना करके आपको सेंड करूँगी ओके थैंक यू स्टूडेंट्स